समय बहुत गर्मी हो, हमारे जैसे आदमी तो सूप के तबक दे हो, सुबह से दरबार को निर्णय लाओ हमने, ठीक है, 7 बजे से 10 बजे तक, जब तक तेज गर्मी आए तब तक अपन दरबार से दूर हो जाए, ठीक है। सुबह से कल दिव्य दरबार लगेगा, 15 तारीख तक लगेगा, 16 को मंगलवार है और 22 तारीख से फिर से 24 तारीख तक दिव्य दरबार लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की। वो बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, उनके चरणों को पकड़ो। सन्यासी बाबा अद्भुत लीला करते हैं और जाओ, जितने भी लोग आज आए हैं सबकी खाली झोली भर जावे, जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भर जावे और तुम्हारी अर्जी भी लग जावे। पर्चा की महिमा नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की महिमा है। बोलो रामचंद्र भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की। अच्छा ऊंचाई से सभा दर्शन हो जा, ऐसे ऊंचो बना दे का दरबार खिलाने। हाँ बेटा तुम का या ऊपर टंगी, बेटा लग ना जाए, चोट ना लग जाए, खुशी रहा बेटा। हाँ आशीर्वाद बेटा, कहाँ से आए? अच्छा अच्छा बहुत आशीर्वाद, बच्चा खुश रहे, धूप बहुत ज्यादा, सामूहिक अर्जी लगा दे फिर हम अपना काम करेंगे। पर्स मिला है, ये लाल रंग का पर्स मिला है। अरे देखियो तुमने भोजन और गिरा, लाल रंग का पर्स मिला है, जिनका भी हो इन भैया से ले लो। किसी भी माता जी का बटुआ है लाल रंग का, हमें देना है, हम क्या करें? कार्यालय में जमा कर दो, कार्यालय में जमा कर दो, जिसका होगा वो ले जाएंगे ऑफिस में। बोलो जय सियाराम, हरे हरे। अब तुम खड़े हो ही हो, सामूहिक अर्जी और लगाए भाई, कुछ लोगों को जाना भी है और हमें अभी काम में बिधा रहना है, यही हम जरा वो बनवा रहे, नक्शा बनवा रहे हैं भंडारे का, पानी का, भोजन। बेटा खुश रहो, ठीक हो, आ गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उपद्रव ना करियो न कटा। हाँ जय सीताराम, बागेश्वर धाम की, बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम के पगलन की, हर हर। देखो यहाँ बालाजी की महिमा है और धूप में कोई परिक्रमा ना दई हो। अच्छा जो बताओ, जो गत्ती की डली, तुम लोगों की डली का, ये गत्ती किसकी डली है? अच्छा नाली वालन की। बेटा जो काम लगाए हो उनसे कह दो तुम्हें एकांत में कर दे, परिक्रमा लगाओ, चुप जात बेचारा ना, तो कहियो था एकांत में गट्टी कर ले, कोने में एक जगह लगा है, बालू तो ठीक है पर गट्टी को कह दई हो ध्यान से। जय सियाराम, जय सियाराम, हर हर महा। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दे फिर काम में भेजे। हाँ बेटा आशीर्वाद कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओ
नागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ ऐसा उपाय है। जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, जो भी मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। ऐसी प्रत्यक्ष महिमा भगवान बागेश्वर बालाजी की है। स्वयंभू बागेश्वर बालाजी विराजमान है। जहां सन्यासी बाबा ने 1,25,000,000 हनुमान चालीसा का पाठ किया था, विगत 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जो भी मनोभाव से आप अर्जी लेकर आए हो, जो भी विषय लेकर आए हो, मन ही मन अपनी अर्जी को आप 3 बार बोल दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हम वचन देते हैं आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धर्म से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। इसके बाद में बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा सिर से 7 बार करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मारो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। आखन में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। कलिकाल में हनुमान जी के जैसा और कोई दूसरा देवता नहीं है। कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में ये बागेश्वर बालाजी के रूप में है। आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, सबकी खाली झोली बालाजी ने भरी। जाओ आज जो भी आए हैं, तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी भर देवे। हम तो मूर्ख नालायक हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हम तो पापी जीव हैं, सेवक हैं उनके चरणों के। पर अगर तुम इनके चरणों को पकड़ लोगे, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा, ये आशीर्वाद है। और हम मिलेंगे भी, लेकिन हम क्या बताएं, अब हमारा भी बुढ़ापा सा आ गया ना, तो दिन ना रात हमें काम करना पड़ता। कल मंगलवार था, 11 बजे तक दरबार लगाए रहे रात को, फिर कुछ कुछ काम में मिल गए, फिर कुछ कुछ उपद्री मिल गए, दारू घोर मिल गए, कुछ ऑटो वाले दारू पिए लोगों के साथ गंदी हरकत कर रहे थे। हाँ आज बहुत ज्यादा परेशानी भी गई। हाँ अब पकड़वाया है हमने रात को बहुत लोगों को,
क्योंकि वो गंदी हरकत करते थे और पीते भी थे। कोई नहीं, अब हम बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पे बस चलने वाली है। गंग टावर से बागेश्वर धाम तक हमने आज कह दिया है। अब हमारे लोग तो रुपया है नहीं है, अपन ने हमारे चेला बहुत खतरनाक है, हमने एक चेला को कह दिया कि तुम बस चला लो ठटरी वाले। जय सियाराम। अभी अभी ये लूटते भी हैं, 30 रुपया और 20 रुपया लेते हैं, हैं? 50? हाँ, एक एक सवारी के 10 या 15-20 लेते, 50? अब एक सवारी का 10 रुपया लगेगा। हाँ, जितने भी उपद्रव हैं बागेश्वर धाम से बंद होंगे, चाहे जो होगा, क्योंकि धर्म धंधा नहीं होता है। बालाजी सबकी सुनते हैं, इसीलिए हम अब हमारा बहुत विरोध भी हो रहा हूँ, बहुत लोग मुंह भी चला रहे हैं, लेकिन अब चलाते रहने दो। अब हनुमान जी देखेंगे, हम बालाजी के पास अर्जी बांधेंगे, लेकिन हम बसें चलवाएंगे और किराया भी 10 रुपया करवाएंगे बस वालों से। गंज से टावर जानते हो, मेन हाईवे से बागेश्वर धाम तक करेंगे, ऑटो वाले चलाएंगे तो इतने में ही चलाएंगे। आज शाम को हमने मीटिंग बुलाई है उनकी, और नहीं मानेंगे तो बस चलेगी लो ठटरी बराबर। हाँ, क्योंकि हनुमान जी लूटने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि क्षेत्र में हमारा विरोध बहुत हो रहा है। कई 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 लोगों के पेट में दर्द हो गया कल रात से ही, तरह तरह के मुंह भी चला रहे हैं। अब पेट में दर्द हो गया तो कोई बात नहीं, हाजम हो गया लाग की गोली खा ले बे। हाँ, देखो भाई, जो सत्य है वो रहेगा, जो गलत होगा उस पर हम तो बिल्कुल बोलेंगे। किसी को हमसे दिक्कत हो, अपने कानों में सीताराम, पागलो, बागेश्वर धाम की। और कुछ ढाबा वाले भी पिए पाए गए कल धाम पर, अब ये नहीं चलेगा। हनुमान जी का धाम है, हमको दिक्कत होती है शक्तियों से, इसलिए अब हम जो है, अब धाम पर जितनी भी पवित्रता बनेगी, हम स्वयं लग करके यहाँ के गंदे लोगों को धाम पर नहीं रहने देंगे। हमारा उद्देश्य, हमारे जितने भी प्रियजन आते हैं, परिवार जन आते हैं, तुम लोगों को दिक्कत ना जाए, तुम्हारा व्यर्थ पैसा बर्बाद ना हो, और तुम पेशी करने के चक्कर में लगातार भी मत आया करो, रुक रुक के आया करो, महीने में एक बार, ताकि तुम्हारा रुपया कम खर्च हो जाए। हनुमान जी तो घर पर भी हैं, और तुम चिंता ना करो, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तुम तो घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करो, पेशी करो शुरू, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, जाओ। इनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनेगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर, इसीलिए हाँ, इसीलिए अभी हम थोड़ा मीटिंग में भी है, भंडारे की मीटिंग कर रहे हैं, फिर इनकी मीटिंग कर रहे हैं। अभी प्रशासन से भी हमने निवेदन किया है, चेकिंग भी प्रशासन की हम लगवा रहे हैं। हमारी बुराई नहीं है उनसे, लेकिन भोले भाले गरीब भक्त बेचारे किराया उधार उठाकर आते हैं, उनसे जब 100-150 रुपया लेते हैं, हमें तो प्रसाद चढ़वाना भी भारी पड़ता है। हम ये नहीं चाहते, तुम देखो दान पेटी जरूर रखी, ताकि यहाँ वहां रुपया फेंके ना, कोई उसका मिसयूज ना करे। हमारा उद्देश्य ये है कि भारत में धर्म धंधा ना हो, इसीलिए हम पूरे भारत में घूमते हैं। और भारत के लोगों और भारतीय हिंदुओं, कान खोल कर सुन लो, आज तक तुम्हें तथा कथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तुम नियम का पालन भर करो, पेशी भर करो, उनके चरण पकड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। काऊ महात्माओं के चरण पकड़ने से कल्याण नहीं होना है, गुरु तो रास्ता दिखाता है, हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, बालाजी के चरण पकड़ लो। जैसी उन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, जैसी वो हमारी सुनते, जैसे हम तुमको रास्ता दे देते, तुम्हारे लिए मार्गदर्शन दे देते, तुम्हारी भुगतान मिटवाने के लिए प्रार्थना कर देते, मेरे पागलों, वो तुम्हारी भी सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं। इसलिए किसको पकड़ो, बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर
बालाजी को पकड़ो और देवता चित्त न हनुमत से। एक आदमी मिला, बोले जब हनुमान जी सब जगह है तो तुम बागेश्वर धाम की बात क्यों करते हो? हमका ठठरी के बड़े हवा सब जगह है पर गर्मी लगती है तो पंखा के नीचे क्यों बैठते हो? हवा तो सब जगह है तो पंखा के नीचे क्यों बैठते? बोले उससे ज्यादा हवा आती है। हमने कहा उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह है, संत जहाँ तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है जहाँ सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध है और तंत्र मंत्र ओझा तांत्रिकों के चक्कर में अब तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता किसके चक्कर में पढ़ो जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाएगी, आशीर्वाद है। आज भर का दिन हमारे काम के लिए हो तो हम काम निपटा लें अपने। अबे हमने कछु खाओ पियो भी नहीं है, हम सुबह से काम में लगे हैं। वही तो गाड़ियों वाली मीटिंग कर लें, ऑटो वाली कर लें, अन्नपूर्णा की मीटिंग कर लें, हम रात में फ्री हो जाए भी। कल सुबह से हम 7 बजे चार कल दरबार लगे भाई साहब। ऐ कब लगेगा, कहां लगेगा? हमारे मुंह पे। अरे अभी थोड़ी देर में अनाउंस करके बता देगा, का साउंड लग जाएगा यहाँ। आ गए भी साउंड वाले यार। हाँ हाँ हाँ, हॉल में बहुत गर्मी होगी। यही 3 साइड में लगाएंगे अपन, ठीक है? क्योंकि हॉल में वहां बन नहीं पाना है, या तो 3 साइड में या फिर वहां जो मैदान है ना वो मैदान ठीक है 3 साइड है, 3 साइड ठीक है मैदान में। ये हवा आ गई सुबह 7 बजे है तो दिक्कत नहीं है, आ धूप लगेगी। अब बेटा तुम काले पड़ जाओ, हम जाना था तुम्हें, हम समझ रहे बेटा तुम्हारी मजबूरी। आओ ठीक है 3 साइड में ही लगाएंगे, ठीक। जय सिया राम। पर भाई रात से ना जगह अंगोट रही है, देखो कछुजन ने हवाई से डेरा डाल ला। जो रात को आएंगे या कल आएंगे वो कहां बैठेंगे, ऊपर। जय सिया राम। बालाजी के दर्शन कर लाए सबने, परिक्रमा कर लाए, पेशी शुरू कर गई। अच्छा एक बात बताओ, जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरण पकड़ना चाहता? पक्का के कच्चा? ठोस में के हौस में? तो हमारी 3 बातें मानोगे? हाथ नीचे कर लो, सुनो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, हम तो मूर्ख नालायक अनपढ़ गवार हैं, ना हम महात्मा है ना हम भगवान है। हमें हनुमान जी ने जो कृपा चूरन चटनी दी है वो केवल तुम लोगों को जगाने के लिए दी है, ताकि तुम ओझा तांत्रिकों के चक्करों में, दरबारों के चक्कर में ना पड़ो। इस चक्कर में कई लोग विरोधी बन गए, कईयों की दुकानें बंद हो गई, कईयों के दिमाग खराब हो गए, रातन भर नींद नहीं आ रही है। लेकिन चाहे जो हो जाए, हमने जो पाया, हमने जो जाना, हमने जो समझा, हमने जो समझ ली, हमने जो गुरु प्रेरणा ली, मेरे पागलो हम चाहते हैं तुम भी वही पाओ, तुम भी हमारे जैसा पाओ, तुम भी हमारे जैसे सत्य को जानो, तुम भी हनुमान जी के हो जाओ, तुम भी तुम्हारे भी बालाजी हो जाए। और हम भी चाहते हैं कि तुम भी दर दर दरबार में ना भटको, हम भी तुम्हारी तरह भटकते थे, हमने भी धक्के खाए, हमने भी जगह जगह भटके हैं, लेकिन जब इनके चरणों को पकड़ा हमारी जय जय हो गई, और लाखों लोगन की जय जय हुई। तुम भी इनके चरण पकड़ लो, तुम्हारी भी जय जय हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बागेश्वर धाम ही आओ, नहीं है सामर्थ्यता, तुम घर पे रहो, जहां रहोगे वहां बागेश्वर धाम रहेगा। लेकिन तुमसे खतरनाक बदमाश कोई नहीं है दुनिया में, तुम इतने बड़े वाले बदमाश हो, तुम्हें नया भगवान चाहिए हर महीना, तुम इतने बड़े वाले बदमाश हो, तुम्हें नया दरबार चाहिए फूल, और तुरंत तुम्हारे दिमाग कान खड़े हो जाते हैं। तुम इतने बदमाश हो, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फूट करके निकल आवे, इसीलिए तुम परेशान हो, इसीलिए तुम धक्के खा रहे हो, इसीलिए तुम जगह जगह जा रहे हो। तुम यहां भी मत आओ, हमारे चक्कर में मत पड़ो, ना हमारे पीछे पड़ो, और किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा भी मत दो,
न इस चक्कर में कुछ होने वाला है। मन की बात बताना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है। ये हनुमान जी ने कृपा जो दी है तुम्हें तो मार्गदर्शन मिलेगा ही। भारत के लोगों, हम तुम्हें कान खोल करके कहते हैं और बिल्कुल बहुत ही स्वाभिमान और हनुमान जी की कृपा के साथ कहते हैं, वर्तमान समय में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। और हरिउल्लाह वालों के चक्कर में चादर चलाने जाते थे हिंदू, अब दुकानें बंद हो गई, आओ लेकिन अब चिंता मत करो, भारत में अब इनकी ठठरी और गठरी बांधी जाएगी, धर्मांतरण नहीं चलेगा, अब तो केवल बजरंग बली की चलेगी। बोलो जय सिया राम। तो पहली शर्त आज से हमारे चक्कर में नहीं बनना, कटा। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर गई हो, तुम्हारी जय जय हो जाए। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाकर कहती हो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस जय जय हो जाएगी। जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। लो आज हमने खिड़की को सदुपयोग कर लो। हाँ सीताराम, अब हम अपना काम, अब हम अपना काम कर ले और मीटिंग बैठी है। आओ चेला आशीर्वाद, पैर छुड़वा ले भी खुश। अरे नहीं, अरे हमें मीटिंग कर लेंगे, तुम्हारे भंडारों पानी छाया में बैठ जाओ, हम अपना काम करने लगा। जय सिया राम, हरे हरे महा, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, बुद्ध दरबार की, समाधि वाले बाबा की, चमीटा वाले बाबा की, सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, गौ माता की, श्री सीताराम भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की,